हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। और मैं रैंडमली शुरू कर दिया ब्लॉग। मैं कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ पूरा, और आप लोग देख रहे होंगे। तो ब्लॉग में अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह का न्यू ब्लॉग आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में आगे कंटिन्यू रहिए। और मैं कहाँ जा रहा हूँ आप लोग को आगे देखने के लिए। डेस्टिनेशन में, और मैं कहाँ पहुँच गया देखो, थोड़ा नज़ारा देख के मैं पहुँच गया उड़ीसा का रेलवे स्टेशन जो कि राजगांवपुर में। और फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देता हूँ। ये रेलवे स्टेशन का ब्लॉग तो मैं काफ़ी बनाया इस स्टेशन का, मेरे चैनल में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा और डिटेल्स से मैं आज बताता हूँ राजगांवपुर रेलवे स्टेशन। उड़ीसा में है ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजगांवपुर रेलवे स्टेशन। और मैं बता दूं कि उड़ीसा का ये सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 14 रेलवे स्टेशन है, उसमें से राउरकेला में एक्सप्रेस खड़ा करता है। उसके बाद सेकंड बहुत कम ट्रेन यहां पर एक्सप्रेस खड़ा करता है जो कि राजगांवपुर। और ये था थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। और कुछ अंदर दिखाएँ स्थिति में है राजगांवपुर रेलवे स्टेशन, पूरा उजड़ा हुआ, बिखरा हुआ। ये बन रहा है ओवर ब्रिज ये साइड से वो साइड जाने के लिए, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो गया मेरे ख्याल से। और मैं तो बार बार यहाँ आता नहीं हूँ, पर कभी कभार आता हूँ। तो आज मैं आपको अंदर दिखाएंगे टिकट काउंटर, बाहर का तो मैं व्यू काफ़ी कोशिश किया दिखाने के लिए आप लोग को। और चलते हैं अंदर, और मैं क्या काम के लिए आया हूँ आप लोग को आगे ब्लॉक में पता चलेगा। ये एग्जिट की तरफ जाने का इधर है बाहर में, और फिलहाल इस यहाँ जाना पड़ेगा काउंटर के लिए आपको। यहाँ का काउंटर उसके बाद यहाँ लोकल टिकट। तो दोस्तों फाइनली मैं कहीं जा रहा हूँ, ये रहा मेरा टिकट, और मैं हूँ यहाँ रेलवे स्टेशन में। तो कहीं जा रहा हूँ आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। फिलहाल क्या
प्रॉब्लम हुआ पता नहीं है, इससे रास्ता में जाना पड़ रहा है। वो ऊपर से जाने का क्या हुआ, बंद किया हुआ है अभी। ऊपर से जो जाते हैं वो क्या हो गया पता नहीं, बंद किया हुआ है। अभी का सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है पता नहीं, तो यही से पार होना पड़ रहा है। उधर ट्रेन लगा हुआ है और इसे इसे पार होना पड़ रहा है। इधर रेलवे ट्रैक होके दिखने से डर लगता है, काफ़ी लोग इधर से आ रहे हैं पार हो रहे हैं। ऊपर भी क्या प्रॉब्लम है पता नहीं।